वेलकम टू द चैनल। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू द सेशन। क्या हाल है? चलिए करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे आज आपके। फटाफट पहले लाइव आ जाइए सब। फटाफट आ जाओ, फटाफट फटाफट। हाँ, जितना जल्दी कर पाएंगे उतना देर का होगा बेटा। चलिए फटाफट लाइव ज्वाइन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल माउंटेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? फटाफट बताएंगे सब इसका आंसर। इंटरनेशनल माउंटेन डे, इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11th ऑफ दिसंबर एवरी ईयर। 11th दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है? चलिए देख लेते हैं। सो इंटरनेशनल माउंटेन डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन डिसम्बर 11 एवरी ईयर। नाउ द डे इज सेलिब्रेटेड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स टू लाइफ। माउंटेन्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है उसके लिए है। अब इस साल की थीम क्या है? इट विल बी सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, ठीक है? इंटरनेशनल माउंटेन डे की 2021 की थीम क्या है? सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। नाउ दिस डे वॉज इस्टेब्लिश बाई द यू एन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस ने इस डे को इस्टेब्लिश किया है। सिंस 2003 इट इज़ बींग ऑब्जर्व एंड टू एनकरेज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द माउंटेन्स। यूनाइटेड नेशंस ने इसे 2002 से डिक्लेयर कर दिया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन गिवन ऑब्जर्वर स्टेटस टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस? इंटरनेशनल सोलर अलायंस को किसने ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए किसको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया? G7, G20, UN जनरल असेंबली या नाटो? इंटरनेशनल सोलर अलायंस
हैज़ गॉट इट्स ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूएन जनरल असेंबली, UNGA। चलिए, तो 6 years आफ्टर बींग जॉइंटली लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस नाउ हैज़ गॉट एन ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ऑब्जर्वर स्टेटस इसको मिल गया है। नाउ इट विल हेल्प दिस ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो इस ट्रीटी के बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रीन एनर्जी डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व होंगे, दैट इज इंक्रीजिंग सोलर पावर फुटप्रिंट्स एज अ लार्जर गोल टू फेस द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। नाउ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो अनानिमस, अगर हम बात करें अनानिमसली, इट इज़ ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस बाय द UNGA, UN जनरल असेंबली, एंड परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द UN ट्वीटेड ऑन फ्राइडे वाइल थैंकिंग ऑल द मेंबर स्टेट्स फॉर देयर सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ जॉइंड हैंड्स विद UNDP फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए कौन से स्टेट के साथ अग्रीमेंट्स करें, कर्नाटका, केरला, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? फटाफट बताएंगे। सो इट इज कर्नाटका गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट। सो कर्नाटकाज गवर्नमेंट हैज़ एंटर्ड अ लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एज अ पार्ट ऑफ द स्टेट लेवल इनिशिएटिव कोड उन्नति। कोड उन्नति ये कर्नाटका गवर्नमेंट का एक स्टेट लेवल इनिशिएटिव प्रोग्राम है। नाउ द लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या है, ये प्रोवाइड करेगा एक प्लेटफॉर्म फॉर द कोऑपरेशन बिटवीन UNDP एंड द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एम्पावरमेंट एंड स्पोर्ट्स, जिससे जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन हो पाए एक्टिविटीज़ का इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कॉलेज लेवल या NSS यूनिट्स में। ठीक है, नाउ एज अ पार्ट ऑफ दिस 50 कॉलेज में या प्री यूनिवर्सिटीज़ में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, एंड फैकल्टीज और स्टूडेंट्स को इस कम्युनिटी में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट विल द कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बी बिल्ट। कौन से स्टेट में आपका कंट्री का सेकेंड वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बिल्ट होगा? महाराष्ट्र, हमारी कंट्री की कौन से स्टेट में, गुजरात, राजस्थान या फिर कर्नाटका? जितने बच्चे लाइव हैं सेशन पे लाइक ठोक देना। सो इट इज राजस्थान, राजस्थान का जयपुर। सो आफ्टर रानी कमलापति स्टेशन, जो ओल्ड नेम हबीबगंज है गांधीनगर में, स्टेशन ऑफ जयपुर डिवीजन ऑफ रेलवे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, इट विल ऑल्सो बी सिलेक्टेड टू मेक अ वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। और इस स्कीम की कॉस्ट क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 150 करोड़। एंड एट प्रेजेंट सबसे पहला कहाँ था, गुजरात में हबीबगंज जिसको बोलते हैं गांधीनगर में। एंड अब क्या है, जो ये नया सेकेंड बनने जा रहा है वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, इट इज़ इन जयपुर। चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान कौन है, अशोक गहलोत, और गवर्नर ऑफ राजस्थान कौन है, कलराज मिश्रा। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड रामानुजन प्राइज 2021 फॉर यंग मैथमेटिशियन। किसको अवार्ड किया गया है रामानुजन प्राइज 2021 फॉर द यंग मैथमेटिशियन? नीना गुप्ता, पंकज शर्मा, अरिहंत जैन या खड़ग देसाई? तो ये किसको मिला है बेटा, नीना गुप्ता जी को मिला है। शी इज बींग अवॉर्डेड एज द रामानुजन प्राइज 2021 फॉर यंग मैथमेटिशियन। सो इंडियन मैथमेटिशियन नीना गुप्ता टू फेन एलजेब्रिक ज्योमेट्री, एफाइन एलजेब्रिक ज्योमेट्री इन्होंने फ्रेम करी है, एंड क्यूमेटिव एलजेब्रा, क्यूमुलेटिव एलजेब्रा, कम्यूटेटिव एलजेब्रा फॉर इज आउटस्टैंडिंग वर्क विद द यंग मैथमेटिशियन फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज फॉर द 2021 DST ICTP IMU रामानुजन प्राइज।
नीना गुप्ता जो है प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स हैं, कहाँ पर, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में। एंड इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन जो थे, ये पहले रेसिपेंट थे इस अवार्ड के, है ना। एंड ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर टू द साइंस एंड मैथ्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी? असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या हिमाचल प्रदेश? सो दिस स्टेट इज त्रिपुरा स्टेट। सो द त्रिपुरा गवर्नमेंट हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल फॉर सेटिंग अप अ बुद्धा यूनिवर्सिटी इन द मनु बंकुल इन सबरूम। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने एक लेटर दिया है इंटेंट का बहुजन हिताय एजुकेशन ट्रस्ट को फॉर सेटिंग अप दिस यूनिवर्सिटी। इसमें से कम 31 कंट्रीज से स्टूडेंट्स आएंगे पढ़ने के लिए, रिसर्च करेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर पर, कल्चर पर, ट्रेडिशन पर, ठीक है। एंड ऑल्सो देर इज अ प्लान टू एस्टैब्लिश अ मेडिकल, टेक्निकल एंड जनरल डिग्री कॉलेज ऑन द कैंपस। अब CM ऑफ त्रिपुरा कौन है? बिप्लब कुमार देव। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनिसेफ? अमर्त्य सेन, रघुराम राजन, कैथरीन रुसेल या फिर जोवियल गिनेट? जितने बच्चे लाइव हैं भाई सेशन पे लाइक कर देना बेटा। बेटा इसके बाद सेशन आपके दो स्पेशल क्लास के हैं और YT का सेशन मैं एक और वॉरियर्स पर रख रही हूँ। सो इट इज़ कैथरीन रसेल। सो UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैज़ अपॉइंटेड कैथरीन रसेल एज द हेड ऑफ द UN चिल्ड्रंस एजेंसी, दैट इज यूनिसेफ, ऑल्सो नोन एज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। तो यूनिसेफ इज गवर्न बाय 36 मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड। द बोर्ड establishes पॉलिसीज, ओवरसीज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल plans एंड approves programs। जो बोर्ड कंप्राइज करता है गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को जो इलेक्ट करते हैं यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड दे आर इलेक्टेड फॉर द 3 ईयर टर्म। यूनिसेफ के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड यूनिसेफ कब फाउंड हुआ था? 11 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। हु ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड कलिंग शैत्य पुरस्कार 2021? किसको मिला है कलिंग शैत्य पुरस्कार 2021? कलिंग शैत्य पुरस्कार 2021 तो ये हैं आपके श्रीनिवास उद्गाता। सो पद्मश्री श्रीनिवास उद्गाता वॉज गिवन विद द कलिंगा लिटरेरी अवार्ड एंड अरुण कमल वॉज अवार्डेड विद द कलिंगा लिटरेरी इंटरनेशनल अवार्ड। आगे कर दूंगी विशाल में क्लास। द 8th एडिशन ऑफ द कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड हेयर टूडे बाय ओडिशा टूरिज्म मिनिस्टर ज्योति प्रकाश पानीग्रही एंड 3-day extravaganza ऑफ लिटरेचर आर्ट एंड कल्चर कॉन्वर्जेशन विल फीचर पोएट्री sessions, पैनल discussions, टॉक शोज एंड मेनी मोर इन 45 sessions। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स हैदरपुर वेटलैंड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द रामसर साइट? कौन से स्टेट की हैदरपुर वेटलैंड को रिकॉग्नाइज किया गया है एज द रामसर साइट? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? सो इट इज इन बिजनौर उत्तर प्रदेश। सो द हैदरपुर वेटलैंड अबाउटिंग द मध्य गंगा बैरेज अबाउट 10 किलोमीटर फ्रॉम द बिजनौर इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द 1971 रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। सो उत्तर प्रदेश इज नाउ होम टू 9 रामसर वेटलैंड्स।
यहाँ पर 9 रामसर वेटलैंड हैं, ठीक है। नमामि गंगे सेंटर फ्लैगशिप एज अ मॉडल वेटलैंड अलॉन्ग द गंगा। विद दिस देर आर नाउ अ टोटल 47 सच डेजिग्नेटेड एरियाज इन द कंट्री। 47 टोटल रामसर साइट्स हमारी हो गई हैं। नाउ द साइट सपोर्ट्स मोर देन 25,000 वाटर बर्ड्स, जो ये आपके हैदरपुर वेटलैंड है। सर्व्स एज अ ब्रीडिंग साइट ऑल्सो एंड थ्रेटेंड इंडियन ग्रास बर्ड्स भी यहाँ पर आती हैं, ठीक है। और अगर इस साइट की बात करें, रेगुलरली सपोर्ट्स मोर देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रे लैग गूस एंड बार हेडेड गूस, ठीक है। रामसर साइट्स के बारे में मैंने समझाया है आपको, आई विल एक्सप्लेन इन अनदर सेशन वॉट आर रामसर साइट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हु हैज़ बीन प्रमोटेड एज द हेड ऑफ द वाइट हाउस ऑफिस। किसको प्रमोट किया गया है एज द हेड ऑफ द वाइट हाउस ऑफिस? गौतम खेर, गौतम राघवान, विमल शेखावत या अर्जुन कपूर? सो इट इज गौतम राघवन। सो US प्रेजिडेंट जो बिडन हैज एलिवेटेड इंडियन अमेरिकन पॉलिटिकल एडवाइजर गौतम राघवन एज द हेड ऑफ द व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ द प्रेजिडेंशियल पर्सन। अब अगर हम बात करें, अ फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट राघवन वॉज बॉर्न इन इंडिया, रेज्ड इन सीटल एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, एंड ही इज द एडिटर ऑफ द बुक वेस्ट विंगर्स, स्टोरीज फ्रॉम द ड्रीम चेजर्स, चेंज मेकर्स एंड होप क्रिएटर्स इन साइड द ओबामा व्हाइट हाउस। USA के प्रेजिडेंट कौन है? जो बिडन। वाइस प्रेजिडेंट कौन है? कमला हैरिस, ठीक। एंड वॉशिंगटन कैपिटल क्या है? Washington DC। और करेंसी क्या है? US डॉलर। अब कुछ जान लेते हैं हमारे नए बैचेस के बारे में। सो दिस इज योर न्यू बैच विच इज अजय बैच। This Ajaya batch is coming up on 22nd December. That is today is 21st or 22nd. आज ही आ रहा है, ठीक है। 30th मार्च तक ये चलेगा आपका बैच कोर्स। एंड वी हैव मोर बैचेस, बहुत सारे बैच कोर्सेज हैं आपके। सबसे पहले मुझे अन अकेडमी पर जाकर फॉलो कर लेना, सर्च कर लेना मुझे, ठीक है। श्रुति शर्मा मेरा नाम है और वेरीफाइड टिक ब्लू टिक प्रोफाइल है। MNS देख लेना उसमें डिस्क्रिप्शन में, देन यू कैन फॉलो मी एंड अटेंड ऑल द फ्री क्लासेस एंड द प्लस क्लासेस। वी हैव ऑल्सो द ऑफर्स गोइंग ऑन 12 मंथ्स पर। 12 मंथ्स का SSB का सब्सक्रिप्शन फ्री है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस ऑफर इज़ वैलिड टिल 23rd December, दैट इज टिल टमोरो। यहाँ पर आप अगर मेरा कोड पुट कर लेंगे Shruti0401, यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑल्सो, ठीक है। येस वंदना, आई एम अबाउट टू पुट अ वीडियो ऑफ दैट ऑल्सो। स्पेशल ऑफर इज़ देयर फॉर NDA 2022 एंड 2023 एस्पिरेंट्स। 24 महीने पर 4 महीने एक्स्ट्रा, 23rd December लास्ट डेट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल गेट डिस्काउंट यूजिंग माई कोड इन कैपिटल लेटर्स। आइकॉनिक का भी ऑफर है, अगर आप 12 महीने का आइकॉनिक का NDA का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यू विल गेट 12 महीने SSB फ्री। एंड यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू अप्लाई माई कोड फॉर गेटिंग मैक्सिमम डिस्काउंट। फटाफट जाइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। अब हम मिलेंगे स्पेशल क्लास में। द स्पेशल क्लास इज़ 5:30 एंड अनदर क्लास विल बी एट 7 PM, ठीक है। बी रेडी। करंट अफेयर्स ये क्या करा रही हूँ मैं? करंट अफेयर्स ही तो करा रही हूँ बेटा, ये करंट अफेयर्स ही तो करा रही हूँ, और क्या करा रही हूँ। हाय राम। चलिए, जय हिंद, बाय बाय।